चलो दोस्तों, आज सहेली से मिलने चलते हैं। सहेली को मिलने से पहले हम देखो, पहले लाल किले के आगे से होकर चलते हैं। पहले मेरा ऑफिस लाल किले के पास ही होता था, अब करोलबाग चला गया है। यह है दिल्ली गेट का DCP ऑफिस कार्यालय है, और अब यह है दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत सिविल सेंटर। चलिए, अब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमें आगे इटारसी की ट्रेन पकड़नी है। नई दिल्ली स्टेशन काफ़ी विशाल है, यहाँ पर मेट्रो की सुविधा भी है। मेट्रो से बाहर निकलते ही आपको एक पैदल पुल द्वारा स्टेशन के सीधे अंदर प्रवेश कर सकते हो। स्टेशन के बाहर तिरंगे झंडे के रूप में कलर रंगा हुआ है। ये देखिए वही इमारत जहाँ मैं बस से आया था। चलिए अब हम प्लेटफार्म पर चलते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भारत की खासकर जो राजधानी ट्रेन है दिल्ली से चलने वाली, वो नई दिल्ली स्टेशन से ही चलती है। मुझे सड़क की यात्रा के मुकाबले ट्रेन की यात्रा 1000 गुना बेहतर लगती है। कारण, हमारी ट्रेन ऐसे अनछुए जंगल और क्षेत्रों से गुजरती है जहाँ पर लोगों की घनी आबादी बहुत ही कम दिखाई देती है। ये देखिए मध्य प्रदेश का शानदार हरा भरा जंगल और ये लोहे का पुल। रेल के द्वारा ये शानदार नज़ारे देखने के बाद अब इटारसी नज़दीक आता जा रहा है। इटारसी में रेलवे जंक्शन से ठीक पहले जो ब्रिज बनता है वहाँ पे हमारी ट्रेन थोड़ी देर रुकी। मैं यहाँ से उतरकर ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर जाकर नागपुर जाने वाली बस में बैठकर सहेली की ओर जा रहा हूँ। एकदम शानदार सड़कें इटारसी भोपाल वाले रूट की। अभी मैं बैतूल वाली साइड हूँ। अब एक बरसाती नदी आ गई है सामने, यह पार करनी है। पानी देखो घुटने घुटने तक बता रहे हैं, इतना ही होगा, ज़्यादा होगा तो देखा जाएगा कि कितना पानी होगा। लो जी, नदी में घुस के नदी पार हो गई है। ट्रेन का ट्रैक दिखाई दिया तो समझो हमारे से स्टेशन नजदीक आ चुका। चलिए सहेली। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं सहेली। इससे पहले हम गए थे साली के पास, उससे पहले नाना और उसके पहले बाप। तो सारे रिश्तेदार हमें ढूंढते हुए मिल रहे हैं। ये हमारे साथ बलिंदर यादव भाई हैं। हाँ। और कौन सी जगह है ये देखिए, सहेली। ये सहेली स्टेशन है और भाई ड्यूटी करते हैं और यहाँ पे भाई काम करते हैं। मैं तो यहाँ से आके पैदल वापस जाने के मूड में था, भाई ने बताया कि 10 बजे यहाँ से ट्रेन आएगी इटारसी के लिए। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया, तो इटारसी अब ट्रेन में जाएंगे। धन्यवाद भाई आपका। चलिए तो धन्यवाद। सहेली स्टेशन पर हमें सहेली गाँव का एक बच्चा मिला है। बेटा अपने बारे में बताओ। क्या नाम है? नितिन यादव। नितिन यादव हैं ये और सहेली गांव के रहने वाले हैं, और यहाँ पे मेरी फोटो ही भाई ने खींची है। बढ़िया बेटा, पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? फर्स्ट सेकेंड ईयर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लो जी हमारी ट्रेन आ गई है, अब इसमें बैठ के इटारसी जाएंगे। सहेली स्टेशन पर एक समस्या है, यहाँ टिकट खिड़की नहीं है। ट्रेन भले ही रुकती है लेकिन यहाँ पर टिकट नहीं मिलता है। टिकट तो दोस्तों अब मैं ट्रेन से इटारसी आने के बाद वहां से मैंने भोपाल की बस पकड़ी है। भोपाल होते हुए मैं सांची जा रहा हूँ। सांची में आपको आगे स्तूप दिखाऊंगा।